देखिए, एक नया टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम जानते हैं क्या होता है, मालूम है ना? और उसमें वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम मालूम है, हीट मालूम है, इंटरनल एनर्जी मालूम है, सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है पहले समझिएगा। कहते हैं अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को वर्क सॉरी हीट दीजिए तो वर्क करेगा। ठीक है, तो आपने हीट दी तो एक तो होता है कि पूरी की पूरी हीट वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। दूसरा होता है को कहेगा हीट तो हम लेंगे नहीं, जाओ अपना काम करो। ठीक है, तीसरा होता है हीट दिया लेकिन हम काम ही नहीं करेंगे, हीट तो ले लिया काम नहीं करेंगे। तो अलग अलग सिस्टम की बात हम करेंगे, यानी कुल मिलाकर के आप हीट दोगे उससे ज़्यादा तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपने हीट दी तो सिस्टम ने कुछ वर्क किया, वर्क मतलब वो हीट उसने वर्क करने में खर्च कर दी, तो जो बची हुई हीट वो कहाँ जाएगी? वो उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि अगर किसी सिस्टम को वर्क हीट देते हैं, सिस्टम वर्क करता है, तो वर्क करने का मतलब हीट खत्म कर दी उसने उतनी, तो बची हुई हीट है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। यानी क्या हम कह सकते हैं वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट। भाई किसी को 500 रुपया दिया तो एक दो हम नहीं रुपया लेंगे, अपना काम करो, ना रुपया लेंगे ना काम करेंगे, जाओ। तो जो रुपया नहीं लेंगे काम भी नहीं करेंगे तो काहे की इंटरनल एनर्जी? एक होता रुपया लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, पूरी पूरा रुपया जेब में रख लेंगे तो पूरा का पूरा उसकी जो वर्क होगा वो जीरो हो गया, तो जितनी हीट थी वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ही स्टोर रहेगी। तीसरा होता है कि हीट भी लेंगे वर्क भी करेंगे, थोड़ा वर्क में खर्च कर देंगे, बची हुई हीट वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो लिखो जरा स्टेटमेंट उसका, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, इफ सम हीट इज सप्लाइज टू अ सिस्टम। देखो लैंग्वेज अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग अपने भाषा में लिख सकते हैं आप। समझ में बात आपको आ गई, उस बात को अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं कि वही बात हो, मतलब पता चला कि अपनी भाषा में लिखने के चक्कर में बात कुछ हो रही कुछ और बता देते हैं कुछ और, तो ये ना होनी चाहिए। क्या लिखा, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। द सिस्टम कैसा होना चाहिए? जो वर्क करने में कैपेबल हो, विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। देन द क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट गिवेन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, सम ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि अगर हम मान लें कि अगर मान लें इफ डेल्टा क्यू इज द हीट, हीट बोले तो हीट एनर्जी, हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम बोले तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब यहाँ जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, और डेल्टा यू हम या तो कहते हैं चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। देन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डायनेमिक्स क्या कहती है, वो
क्या कहती है, क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ कहती है, कहता है क्या कहता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, या आप चाहो तो डेल्टा यू बराबर लिख दो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है। ठीक है, लिखो कहानी। ठीक है, तो लिखो इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अच्छा, दूसरी बात, ये जो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड करता है, थोड़ा कहानी लिखिएगा जरा, डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या मतलब? मतलब ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आप एक सिस्टम को, आपने एक सिस्टम को एक हीट दी, ठीक है, तो हीट लेकर के उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। तो अगर मान लेते हैं कि भाई कोई सिस्टम स्टेट वन से लेकर के या स्टेट ए से लेकर के स्टेट बी तक जाता है, तो उसको जाने के रास्ते अलग अलग हैं। इस रास्ते से गया, रास्ता नंबर वन से गया, इस रास्ते से गया, रास्ता नंबर टू से गया, इस रास्ते से गया, रास्ता नंबर थ्री से गया। भाई मैंने आपको 10 रुपये दिया, बोले जाओ बॉम्बे चले जाओ, कम है ना, कुछ ज़्यादा ही कम है, चलो 10 रुपये बहुत हैं, तो आप पैदल चले गए। तो आप अब क्या करें, 10 रुपये तो रिक्शा भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ से रिक्शा करोगे तो आप तुमको टेम्पो स्टैंड भी नहीं ले जाएगा रिक्शा, तो पैदल चले गए, कितना रुपया बच गया, 10 रुपये। हमने आपको 1000 रुपये दिए तो आप टैक्सी करके चले गए, टैक्सी से नहीं जा पाओगे, बस वस चले गए, फिर 10 रुपये बच गए। हमने आपको 5000 चले दिए तो आप टैक्सी चले गए यहाँ से वहाँ तक, 4990 रुपये खर्च कर दिए, तब भी 10 रुपये बचे। हमने आपको 10000 रुपये दे दिए, आप प्लेन से चले गए, यहाँ से कार से गए एयरपोर्ट, वहाँ से प्लेन से गए, फिर 10 रुपये। भाई जितना खर्च इनकम है उतना खर्चा है। भाई जैसे होता ना, एक जो लोगों के हम बहुत पहले पढ़ाने जाते थे तो फीस की बात ही, तो उन्होंने कहा सर देखिए ऐसा है कि आप मेरे घर में एसी लगा है, कार है, ये सब कुछ है, लेकिन आज हमारे घर में 500 रुपये नहीं है। हमको मेरे पास तो कल भी नहीं थे, आपके पास तो आज नहीं, अभी जाओगे इनकम हो जाएगी, ओवर इनकम करके ले आओगे, वो एक अलग ही बात है। मतलब अगर कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जाता है, अलग रास्ते से जाता है, तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, वो केवल उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक नोट करके लिखिए, इफ अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी, इफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी एंड इट एडॉप्टेड 3 paths, paths 1, 2, and 3। अब दिक्कत है कि अलग अलग पाथ से भेजने के लिए अलग अलग हीट देनी पड़ेगी ना आपको। भाई हम 10 रुपये दे के कहेंगे जल्दी जाना प्लेन चले जाना, तो क्या प्लेन में जाके नीचे से लटक जाओगे, प्रोपेलर ऊपर बैठ जाओगे? अभी वो अफगानिस्तान में था ना, लोग भाग रहे थे तो एक प्लेन के वो तो आगे था, वो बना हुआ था, उसमें कोई छुप गया था जाकर के, भाई भागना था उनको अफगानिस्तान छोड़ करके, और प्लेन जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी, तो लोग जहाँ प्लेन के बाहर जो गड्ढा दिखाई पड़ा जहाँ पंखे होंगे वही चिंद घुस गए, और ये नहीं मालूम था कि जब प्लेन उड़ेगा तो ऊपर हम पकड़ेंगे क्या। भाई या तो अपने आप को बांधो प्लेन से, और वो बेचारा ऊपर जा करके कहीं मर गया, गिर गया, और गिरा तो गिरा, खुद तो मरा, और जिसके घर पे गिरा होगा घर तोड़ तोड़ दिया। भाई 50 किलो की का अगर बॉडी मान लो 60-70 किलो का आदमी है, और कितने हाइट से आप फेंकोगे, MGH कितनी एनर्जी उसने सप्लाई कर दी उसकी छत के ऊपर। तो अगर आपको अलग अलग सिस्टम स्टेट से भेजना है तो अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। तो क्या लिखा, स्टेट 1, 2, and 3, इफ क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री हीट्स आर गिवन एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री आर वर्क डन बाय द सिस्टम
ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस रेस्पेक्टिवली देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाई तो देखिए ये कह रहा है कि किसी रास्ते से जाओ। देखो पहले रास्ते से गए, आपने Q1 हीट दी, उस सिस्टम ने W1 वर्क किया तो कितनी एनर्जी बची, Q1 माइनस W1। दूसरा रास्ता आपने अडॉप्ट किया, Q2 हीट दी, उसने W2 वर्क किया, ये सब बराबर होंगे Q3 माइनस W3 और ये आ जाएगा फाइनल स्टेट में एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट में एनर्जी। हमने आपको बताया था कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जानने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, केवल आप उसका चेंज जान सकते हो, ठीक है, किसके पास कितना पैसा है आप नहीं जानते हैं। वो अलग अलग नौकरी करता भी जानते हैं, वहाँ नौकरी करता है, चलिए जनरली आप नहीं जानते, ठीक है। अभी एक कौन पकड़ा गया था, वो गलती से पकड़ा गया था, पकड़ना किसी और को था, गलती से पकड़ लिया, तो उसके यहाँ कितने अरब रुपये निकले, मशीनें आई, तो एक उनके मोहल्ले वाले एक बार एक जगह मुलाकात हो गई लखनऊ में, बाई चांस कानपुर के थे, कहन भैया स्थिति ये थी, उसका स्कूटर चलता था, कहें यहाँ तक तो ठीक था, चलो ठीक आप सिंपलिसिटी हो, और कहें शादी में भी 101 रुपये ज़्यादा नहीं देता था किसी, भाई एक होता है कि भाई हम सिंपलिसिटी है कि किसी का कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प करेंगे, तो वो भी नहीं करता था। तो हम किसी सिस्टम की इंटरनेट नहीं जानते, लेकिन जब उसका चेंज होता है तो हम जान जाते हैं, या तो जान उसको चेंज कर दिखाने के लिए चेंज करता है, वो नहीं होगा। मतलब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं जानते, तो हमने बताया था कि आप उसका चेंज निकालते, ठीक है, तो ये आपका नोट हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क करता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, तो नीचे लिखिए इफ बाय डूइंग द वर्क बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाय डूइंग द वर्क बाय डायग्राम नहीं बनाया आपने, उसकी जरूरत नहीं है, 1 2 3 कहाँ से आ गया, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो 1 2 3 कहां था, हवा में आ गया। बाय डूइंग द वर्क बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज डेल्टा वी देन चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज डेल्टा वी देन डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डेल्टा क्यू माइनस इसको पी डेल्टा वी लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये तो पहले बताया जा चुका है कि अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वर्क नहीं करता है, वर्क करने के लिए वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है। अब एक आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, तो एक नोट करके लिखिए इफ ये नोट तब लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए इफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DQ If very small amount of heat dQ is given to a thermodynamic system, heat dQ is given to a thermodynamic system and small work dW is done by the system. जब सब कुछ small है तो small ही होगा ना, the small work dW is done by the thermodynamic system and very small change in its internal energy is dU and very small change in its internal energy is dU then dU is equal to dQ minus dW या हम चाहें तो लिख सकते हैं DU इज इक्वल टू DQ माइनस PdV, सब कुछ स्मॉल स्मॉल है, छोटा छोटा चाइनीज साइज का। UP बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में ये अक्सर पूछा जाता है, ये दे देते हैं कि तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब अभी हमने कहा कि भाई आपने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने हीट ली ही नहीं, सिस्टम ही ऐसा था, हमने कहा ये काम करो, बोले नहीं करेंगे, बोले अभी खाओगे, बोले खाएंगे भी नहीं, तो एक ये होता है ना, तो हीट लेंगे ना तो वर्क करेंगे, एक होता है हीट तो लेंगे वर्क नहीं करेंगे, हीट तो देना पड़ेगा आपको, आखिर पापा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है हमारे लिए,
आपका ये नेशनल, हमारी बिटिया कहती है कि आपकी राष्ट्रीय दायित्व है, आपका कुछ ऐसा कोई वर्ड हम भूल गया, अभी पूछना पड़ेगा, राष्ट्रीय दायित्व है, नहीं काम करती हो अलग की बात है। तो कुछ लोग कहीं पैसा लेंगे काम नहीं करेंगे, कुछ पैसा नहीं लेंगे काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कई कई प्रकार के सिस्टम होंगे, तो अलग अलग सिस्टम में हम थर्मोडायनेमिक्स का रूल लगाने जा रहे हैं। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन का मतलब होता है अलग अलग सिस्टम में ये लॉ कैसे अप्लाई होता है, इसी में लिख देते जगह है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर वन लिखिए साइक्लिक प्रोसेस। अब अलग अलग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम, साइक्लिक प्रोसेस। देखिए पहले तो हम बताएंगे प्रोसेस क्या होता है, पहले ये बताएंगे जिस प्रोसेस का नाम देंगे उसके बारे में बताएंगे वो प्रोसेस होता क्या है, फिर उसमें फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, नाम से कुछ लग रहा है, साइकिल क्या मतलब होता है, एक साइकिल कंप्लीट होना क्या मतलब। तो अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, शाब्दिक अर्थ बताएंगे तो आप ऐसे ऐसे करोगे, वहां एग्जाम में ऐसे ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे जब कॉपी एग्जाम खोलेगा तो ऐसे ऐसे उंगली घूम रही होगी, अच्छा, ये साइक्लिक प्रोसेस बता रही है। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, जो प्रोसेस अलग अलग स्टेट से गुजरता हुआ फिर अपनी स्टेट में आ जाए, वही तो होता है साइक्लिक प्रोसेस। जैसे बर्फ है, बर्फ को पहले आपने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट तक ले गए, फिर मेल्ट किया, फिर बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए, फिर बॉयल किया, इवेपरेट कर दिया, फिर कंडेंस कर दिया, वाटर बन गया, फिर उसको 0 डिग्री पे लाए, फिर फ्रीज कर दिया। तो बर्फ से पानी से भाप, भाप से पानी से बर्फ, ये कैसा प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो जो प्रोसेस अलग अलग स्टेट से गुजरता हुआ फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट के आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, जैसे खोपड़ी घुटाई, बाल आए, फिर घुटाई, फिर बाल आए, तो घुटाना बाल आना कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। वो अलग की बात, हमारी खोपड़ी में साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता है। तो लिखो जरा साइक्लिक प्रोसेस, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट, फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अनदर डिफरेंट स्टेट। टू अनदर डिफरेंट स्टेट एंड फाइनली ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट, ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। देन देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, देखिए हमने कहा था इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि वो बॉडी के स्टेट को चेंज करती है। अगर बॉडी जिस स्टेट में थी लौट के वहीं पे आ गई तो उसकी एनर्जी में चेंज कितना हुआ, 0। भाई हमने कहा इंटरनल एनर्जी में चेंज दो दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए तब होगा, दूसरा स्टेट चेंज होना चाहिए। तो आप लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट नहीं चेंज हुई। स्टेट चेंज हुई मतलब जहां थे वहीं लौट के आ गए ना, ठीक है। तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो डायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, और डेल्टा यू यहां पर क्या है, 0, क्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या देखा आपने कि साइक्लिक प्रोसेस में जितनी की जितनी हीट होती है वो पूरी पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये लिख लिया, नीचे लिखो हेंस, हेंस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, हेंस इन अ साइक्लिक प्रोसेस द हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये पहला हो गया कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है,
उस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आइसोलेटेड प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोलेटेड प्रोसेस। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? सेकंड प्रोसेस है आइसोलेटेड प्रोसेस। क्या होता है आइसोलेटेड प्रोसेस? नाम सुना है कभी? वो आइसो मतलब जो समझ में आए, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जाके सो जाएं, हाँ सोते रहो। क्या होता है आइसोलेटेड प्रोसेस? आइसोलेटेड प्रोसेस हुए वो होता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना हम हीट लेंगे ना तो वर्क करें, अपना काम करो अपने से मस्त रहेंगे हम, ठीक है। तो आइसोलेटेड प्रोसेस वो होता है जो ना तो हीट लेता है ना तो वर्क करता है। तो लिखिए जरा ध्यान से, अ सिस्टम विच कैन नाइदर डू वर्क, अ सिस्टम विच कैन नाइदर डू वर्क नॉर कैन टेक आर गिव हीट, नॉर कैन टेक आर गिव हीट। अब आप कहें गिव हीट का मतलब, गिव हीट कहाँ से हो गया, टेक हीट तो ठीक है, गिव हीट का मतलब सिलेंडर है जैसे, और सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और उस पर बैठ जाओ तो क्या होगा, पिस्टन दब जाएगा अंदर, पिस्टन दबेगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा जो है घटेगा, यानी कि उसमें हीट वो रिलीज करेगा, हीट बढ़ जाएगी उसके अंदर। तो क्या लिखा, गिव आर टेक हीट, गिव आर टेक हीट, वही लिखा है ना, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी हम कहेंगे कि इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम क्यू क्या होता है, जीरो होता है, डब्ल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो डायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी डेल्टा यू बराबर जीरो, यानी इसमें चेंज इन एनर्जी जीरो होती है, चेंज जीरो होता है, यानी वो कांस्टेंट होता है। तो लिखिए दस दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। देखो दोनों में कितना फर्क है, वो बहुत ही आइडियल पर्सन था, जितना हीट दी, हीट लिया, पूरा काम कर दिया, पूरा खर्च कर दिया, सब सब काम कराए, और ये नालायक ना तो काम कर रहा ना तो हीट दे रहा, तो इसकी वजह इसका भी चेंज जीरो है। अब लिखिए आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, ये प्रोसेस के नाम भी याद रखिएगा, तीसरा है हमने नोट कर रहे हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, बेरिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में ऐसा चेंज हो कि उस चेंज के दौरान उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस, इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। जैसे स्टीम इंजन का जो बॉयलर होता है उसमें जब पानी बॉयल किया जाता है तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो एग्जांपल लिख दीजिएगा, हीटिंग ऑफ वाटर इन द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन, हीटिंग ऑफ बॉयलर, क्या बोल रहा हूँ, हीटिंग ऑफ वाटर इन द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन, या जिसमें स्टीम फार्म हो रही होती है, कॉमन लगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब हमको इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करना पड़ेगा, तो अब हीट किस फॉर्म में लेंगे, सावधान, क्योंकि इन सभी केसेस में स्टेट चेंज हो रही है बॉडी की,
जब फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, स्टेट चेंज होती है ना, आपको पढ़ाया गया है कि जिसमें स्टेट चेंज होती है उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब स्टेट चेंज हो रही है तो हीट का आदान प्रदान तो हो रहा है, या तो सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं या तो हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं। अगर किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी हीट हुई भाई, ये कौन सी हीट हुई, ये लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है ना। नहीं मालूम, लेटेंट हीट पढ़ी है ना आपने, एक ऐसा ऐसी हीट जिस जो कि सिस्टम को दी जाए और सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर हम पानी को बॉयल करते हैं और 100 डिग्री पे बॉयल करना शुरू हो गया और हम गैस हमने बंद नहीं की, तो 100 डिग्री पे ही बॉयल हो गया, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन हीट तो दी हमने, और हीट भी दी टेम्परेचर भी नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब कौन सी चीज़ है, लेटेंट हीट। ठीक है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको, गोपनीय तरीके से ऊष्मा दी गई है। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज के, लिखिए सपोज अ लिक्विड, सपोज अ लिक्विड ऑफ मास एम, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना कि भाई किस प्रकार से इसको अप्लाई करें, तो हम वेपराइजेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं। सपोज अ लिक्विड ऑफ स्मॉल एम इज कन्वर्टेड इंटू वेपर, इज कन्वर्टेड इंटू वेपर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप ऑलरेडी स्टेट चेंज होने पे कॉन्स्टेंट होता है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ कैपिटल एल बी द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैपिटल एल इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वेपराइजेशन, क्या ये स्पेलिंग बताएं क्या, वेपराइजेशन, अरे स्पेलिंग ना आती हो तो ऐसे लिख दो, लोग ऐसे लिखते हैं वेपोराइजेशन, क्या दिक्कत है, हाँ हो जाता है वेपराइजेशन। देन हीट गिवन टू द सिस्टम कितनी है, हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम क्यू बराबर क्या हीट होती है, इस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम एल, एम एल होता है। तो ये तो आपका हो गया जाकर के कि सिस्टम को हीट कितनी दी गई है। अब सिस्टम ने वर्क कितना किया, तो नीचे लिखिए इफ वी वन इज द इनिशियल वॉल्यूम, वी वन इज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल बोले जो लिक्विड था, एंड वी टू इज द फाइनल वॉल्यूम यानी जो वेपर बन गया, देन वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम यहां पर लिक्विड है, देन वर्क डन बाय द सिस्टम डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, पी डेल्टा भी होता है ना, यानी पी डेल्टा भी बोले तो वी टू माइनस वी वन। तो अगर हम अप्लाई कर दें बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर क्यू बोले तो एम एल माइनस पी वी टू माइनस वी वन। अब कहीं कहीं पर इनिशियल में वी एल लिख देते हैं, वॉल्यूम इन लिक्विड वॉल्यूम इज वेपर वी वी लिख देते हैं, तो लिखने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। अगर चाहो तो एम एल निकाल दो, तो एम एल क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, ये एम एल निकल आएगा यहाँ से। अब देखिए अगर यहीं पर वेपराइजेशन ना होकर के फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो रहा होता है, तो फ्रीजिंग वाटर में क्या होता है, हीट वो रिलीज करता है, हीट वो रिलीज करता है। तो नीचे एक नोटिंग लगाइए, ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द हीट गिवन अप बाय द वाटर, मतलब वाटर वापस करता है, हीट गिवन अप बाय द वॉटर क्यू बराबर होगा यहां पर माइनस एम एल हो जाएगा यहां पर। तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे सो बाई क्वेश्चन वन, तो डेल्टा यू यहां क्या निकलेगा, माइनस एम एल माइनस पी वी टू माइनस वी वन निकलेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा।
माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोबेरिक प्रोसेस में कैसे हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लिखिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। लिखिए जरा ध्यान से, इफ अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम, इफ अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम देन सिस्टम इन सच अ वे दैट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इन सच अ वे दैट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन द प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक पढ़ेंगे आइसोचोरिक पढ़ेंगे, पक्का। कोई नियम होता है, नियम होता है सी एच के बाद अगर कोई कंसोनेंट आता है सी एच के बाद, ठीक है, तो उसको हम का पढ़ते हैं। लेकिन अगर वॉवेल आता है तो, सॉरी उल्टा बोल गया, वॉवेल आता है तो का पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह लागू नहीं होता है। अब चोपड़ा सी एच ओ होता है तो कोपड़ा नहीं पढ़ा जाता है, सी एच ई होता है केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। तो ये अंग्रेजी है, फिलहाल आइसोकोरिक पढ़ेंगे। अब देखिए क्या आपने बोला कि इन दिस प्रोसेस डेल्टा यू डेल्टा वी वॉल्यूम जीरो हो गया। अब आपको बताया गया था कि अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, जीरो। सो वर्क डन बाय द सिस्टम जो निकालेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, W बराबर क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, उसके लिए जीरो हो जाएगी। सो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U बराबर Q माइनस W, तो डेल्टा U बराबर Q, W जीरो हो गया, ये लो। यानी उसमें वर्क उसने किया ही नहीं, तो जितनी आप हीट दोगे वो उसकी एनर्जी इंक्रीज करने में खर्च हो जाएगी, ठीक है। आपने किसी को 10 रुपये दिया, जाओ मार्केट से ले आओ, लाए नहीं, फिर दिया ले आओ, लाए नहीं, ले आओ, तो खर्चे नहीं हुआ, जो पैसा होगा उसी जेब में भरा पड़ रखा हुआ है। तो नीचे लिखिएगा 10 इन एंड, मतलब पहले क्या होता है, फिर वो कैसे अप्लाई हुआ, फिर उससे रिजल्ट क्या मिला, ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है। 10 इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस The entire heat given to the system is used in increasing the internal energy of the system. भाई किसी को तनख्वाह मिलती है, कहीं जाड़ा है, कहीं कोई कहने बोरा ओढ़ लो, क्या दिक्कत है, बोरा ओढ़ने से तो जाड़ा नहीं लगेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। खाना कहीं कहना आज मौसी क्या खा लो, आज क्या दिन क्या, भाई सिंपल सी बात है, कम से कम 60-70 लोग ऐसे आप सेट कर लो जो आपके परिचित हों और बड़े क्लोज हो आपसे हों। तो किसी के यहाँ अगर 2 महीने बाद आप जाते हो तो खाना खिला देगा ना प्यार से, नहीं खिला देगा। तो आप रोल नंबर 1 से 60 तक जाओ, आज इसके यहाँ खाना खाओ, कल उनके यहाँ खाओ, ऐसे खाओ, और दो करीब खाना खाने के समय 4 बजे के आसपास जाओ, फायदा क्या होगा, मतलब ऐसे जाओ कि खाना खाना ये उसको मालूम है, 4 बजे के आसपास जाओ, उसे फायदा होगा कि दिन का भी खाना खा लोगे और रात का भी कोटा पूरा कर लोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा खा लोगे, और खाना खा के लेट जाओ करके तो ज़्यादा काम नहीं करोगे, तो फिर आपका जो खाना बचेगा नहीं, थोड़ा भरा रहेगा, तो रात भूख नहीं लगेगी। तो 60 दिन में
फिर नंबर आएगा उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी कि आपने कोई हीट वर्क किया ही नहीं, आप जो हीट मिलती जा रही है पूरी पूरी केवल अकाउंट में बढ़ती जा रही है। तो यानी जितनी जितनी हीट देते हैं वो पूरी पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करती है केवल। ये एग्जाम्पल मत लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट की एक शिकायत है कि आप जो पढ़ाते हो तो एग्जाम्पल ऐसे देते हो, वो एग्जाम्पल तो याद रहा था, मेन थ्योरी भूल जाए, तो ये ना करिएगा। नेक्स्ट लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल बोले तो हीट, टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5 नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसे बनते हैं, इसमें कौन सा इक्वेशन लगता है, वो अलग की बात है, ठीक है। तो लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस, इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस टेकिंग प्लेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेकिंग प्लेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन सच अ प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। सच अ प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी चेंज होने के दो कंडीशंस हैं, या तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो, और स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी चेंज होती है, और या तो टेम्परेचर चेंज हो। तो यहां पर चूंकि क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा। इन दिस प्रोसेस यानी कोई भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, प्रोसेस लिखा हुआ है, राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी। डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, तो जीरो बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर डब्ल्यू। भाई आपने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम का टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ, तो क्या मतलब हुआ? सिस्टम का टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ तो क्या मतलब हुआ? सिस्टम ने पूरी की पूरी हीट वर्क में खर्च कर दी, यही मतलब हुआ जाकर के। तो लिखिए 10 10 फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम बोले तो गैस की बात हो रही है यहाँ पर, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इंटायरली यूज इन द वर्क, इज इंटायरली यूज इन द वर्क। देखो ये पहली बात, केस आइडियल गैस के लिए सही होता है, क्योंकि रियल में ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है, कि पूरा का पूरा आप हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अपने आगे पढ़ेंगे कि पूरी पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस ना याद रखिएगा, बोले डायबिटिक होता है ना, बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाती है, वो स्पेलिंग वैसी है। एडियाबेटिक प्रोसेस, ADIABATIC, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। देखिए इफ ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस हीट इज नाइदर इंटर्स द सिस्टम, नाइदर बोलते हैं, नीदर बोलते हैं, नीदर बोलते हैं, नीदर नॉर इधर आर, लेकिन हम लोग इंडिया वाले हैं, हम कुछ भी बोलते हैं। हम हमारा साइकिल का पहिया भ्रष्ट होता है, बर्फ नहीं होता है, हम लोग साइकिल के कैरियल में बैठते हैं, जबकि कैरियर होता है, लेकिन हम लोग कैरियल में बैठ जाते हैं, तो हम लोग तो नाइदर ही बोल देते हैं। लिखो चाहे नीदर, लिखा क्या लिखा, नीदर इंटर्स द सिस्टम नॉर लीव्स इट, नॉर लीव्स इट, नाइदर नीदर इंटर द सिस्टम नॉर लीव्स इट, ना तो सिस्टम में हीट जाएगी ना सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी। देन द प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी आप क्या कहेंगे, इन एडियाबेटिक प्रोसेस
इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू जीरो होता है, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। अब कैसे वो बनता है वो एक बात की बात है, ठीक है। वह एक सिलेंडर हो, ठीक है, सिलेंडर के जो वॉल्स हो इंसुलेटिंग हो, तब होगा। और सिस्टम फास्ट हो, एकदम से आप गैस के पिस्टन को एकदम दबा दीजिए तो इतनी हीट बन जाएगी कि बाहर निकल नहीं पाएगी, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। उसमें आपने इंटर पढ़ा होगा, पायसन्स रूल वहाँ लगाते थे, पीवी पर गामा इज इक्वल कॉन्स्टेंट, वो यहाँ मतलब नहीं है। तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू। ये माइनस अपने आप आया है, हमने इसको अप्लाई नहीं किया है, अपने आप फार्मूले में आया है। अब यहां पर वर्क दो तरीके से हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो नीचे लिखिए, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी जिसमें एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है ना, बर्तन में जो गैस एक्सपेंड होती है तो वो पिस्टन को धक्का मारती है, तो गैस वर्क करती है ना। इफ वर्क डन इज बाय द सिस्टम, देन देन डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस में होता है आप जानते हैं, यानी ये आपका माइनस डब्ल्यू आएगा। आगे देखिए, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी पिस्टन कोई बैठ जाए और उसको कंप्रेस करती, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन डेल्टा, क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा यू और माइनस, ये माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा तो प्लस का डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू बोला क्या आपने, अरे ठीक है, वो डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू। तो ये हमने आपके फर्स्ट लॉ के कंसेप्ट को बताया और उसमें अप्लाई किया कि कैसे उसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, नेक्स्ट।